हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल स्विच गियर के बारे में। इलेक्ट्रिकल स्विच गियर के बारे में, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर क्या है, इसके फंक्शन क्या क्या हैं और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इलेक्ट्रिकल स्विच गियर क्या है, फंक्शन क्या है और इसके फीचर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्विच गियर। तो स्विच गियर क्या है दोस्तों? इन एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, स्विच गियर इज द असेंबली ऑफ ऑपरेटर्स एम्प्लॉय फॉर स्विचिंग, कंट्रोलिंग, स्विचिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट्स। तो स्विच गियर आपका क्या है, जिसके थ्रू हम स्विचिंग कर सकें, कंट्रोलिंग कर सकें और इलेक्ट्रिकल सर्किट और इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो क्या है, एक स्विच गियर होगा। उस पूरी असेंबली को क्या बोलेंगे, स्विच गियर। फंक्शन ऑफ स्विच गियर, फंक्शन क्या क्या है? तो स्विच गियर में एक ऐसे एबिलिटी होती है दोस्तों, जो कि ओपन एंड क्लोज कर सकता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को दोनों कंडीशन में, अंडर नॉर्मल एंड फॉल्टी कंडीशन। स्विच गियर हैज एबिलिटी टू ओपन एंड क्लोज द इलेक्ट्रिकल सर्किट अंडर बोथ नॉर्मल एंड फॉल्टी कंडीशन। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन स्विच गियर कैन ऑपरेट मैनुअली, स्विच गियर कैन ऑपरेट मैनुअली। जनरली इट इज यूज टू एनर्जाइज और डी एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड ओपन और क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हम सर्किट को क्या कर सकते हैं, मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं और आप इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हैं। और स्काडा के थ्रू तो नया सिस्टम आ गया है। और तो ये जब नॉर्मली कंडीशन में हम इसको ऑपरेट करते हैं, मतलब ओपन या क्लोज करते हैं, तो क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं सर्किट को या फिर डी एनर्जाइज करते हैं। इसमें नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इन दिस वे स्विच गियर इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर एंड ऑल्सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब नॉर्मल कंडीशन में इसको ऑपरेट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए हम डी एनर्जाइज करते हैं सर्किट को और यूटिलाइज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल के लिए इसका क्या है, मतलब अच्छे यूटिलाइजेशन के लिए हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब जरूरत नहीं हो तो हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन। फॉल्टी कंडीशन में क्या है, स्विच गियर किस तरीके से काम करता है? स्विच गियर ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ऑपरेट होता है जब फॉल्टी कंडीशन होती है। तो व्हेन अ फॉल्ट ऑकर्स, जब फॉल्ट मतलब होता है सिस्टम में, तो स्विच गियर डिटेक्ट द फॉल्ट। स्विच गियर पूरा जो स्विच गियर सिस्टम है वो क्या है, फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा एंड डिसकनेक्ट द अनहेल्दी पार्ट फ्रॉम दी पावर सिस्टम। जिस पार्ट में फॉल्ट हुआ है उसको क्या कर देगा, उस पार्ट को अलग कर देगा अपने पावर सिस्टम से। तो ये एबिलिटी होती है इसमें। तो इस सिस्टम में क्या है, इन दिस वे, मतलब जब ये फॉल्टी कंडीशन ऑपरेट होता है तो क्या होता है, इन दिस वे स्विचिंग प्रोटेक्ट दिस सिस्टम फ्रॉम डैमेज एंड इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। तो जब फॉल्टी कंडीशन में जो ऑपरेट होता है, तो ये क्या करता है, स्विच गियर अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि जो सप्लाई की कंटिन्यूटी है वो भी बनी रहे। और ये जानते हैं स्विच गियर इक्विपमेंट के बारे में। स्विच गियर कवर ऑल द पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड फॉर स्विचिंग, कंट्रोलिंग, मीटरिंग एंड प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो स्विच गियर इक्विपमेंट में क्या क्या आता है दोस्तों, सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। कौन कौन से, जैसे जो जो यूज होते हैं स्विचिंग में, कंट्रोलिंग में, मीटरिंग में एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, स्विचेस, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिलेज, आइसोलेटर, बस बार, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर और भी अन्य इक्विपमेंट। सबसे पहले जानते हैं हम स्विच के बारे में। स्विच क्या है? अ स्विच इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डिवाइस टू ऑन और ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट्स।
स्विच क्या है, एक का सबसे ज़्यादा आसान डिवाइस है और बेसिक डिवाइस है इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए, मतलब क्लोज और ओपन करने के लिए। इट इज़ डिजाइन टू ऑपरेट मैनुअली, इट इज़ डिजाइन टू ऑपरेट मैनुअली, कैन नॉट प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम फ्रॉम एनी फॉल्ट। ये फॉल्ट से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है सिस्टम को। स्विचेस आर यूज फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशन टू कंट्रोल द पावर सप्लाई। फ्यूज, फ्यूज क्या है? फ्यूज इज एन अनदर इम्पोर्टेंट डिवाइस यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट्स। ये प्रोटेक्शन के लिए जो यूज होता है फ्यूज। अब फ्यूज हम देखते हैं क्या है ये। इट इज़ अ पीस ऑफ मेटल वायर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड, जो कि लोड के सीरीज में कनेक्ट होता है। फैन एक्सेसिव करेंट फ्लो थ्रू फ्यूज, इट मेल्ट एंड डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई, इट इज डिजाइन टू ऑपरेट मैनुअली। तो दोस्तों फ्यूज के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्या है, एक वायर का टुकड़ा होता है एक प्रकार से, आप जो मेन है पीस ऑफ मेटल वायर, और आजकल वो एचआरसी फ्यूज भी यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों जब भी किसी सर्किट में, जिस सर्किट में फ्यूज लगाया है उन्होंने, उसमें यदि कोई करंट ज़्यादा होगी तो क्या फ्यूज क्या होगा, पिघल जाएगा और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा सप्लाई से, तो अपना सिस्टम क्या सुरक्षित हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पावर सिस्टम डिवाइस डिजाइन टू ओपन और क्लोज वेरियस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स अंडर बोथ नॉर्मल एंड फॉल्टी कंडीशन। इट कैन ऑपरेट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड इट कैन ऑपरेट्स मैनुअली अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्टी कंडीशन। आइसोलेटर, आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू ओपन और क्लोज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सर्किट अंडर नो लोड कंडीशन। तो आइसोलेटर क्या है? नो लोड डिवाइस है, तो ये सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज होता है, लेकिन कब होता है? जब सर्किट में कोई लोड ना हो, मतलब नो लोड कंडीशन में हो सर्किट। नेक्स्ट, इट इज डिजाइन टू ऑपरेट मैनुअली व्हेन देयर इज नो करेंट फ्लो थ्रू पावर सिस्टम। तो इसका काम क्या है? इट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर व्हाइल मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड अदर इक्विपमेंट्स। तो इसका यूज इस वजह से है ताकि ये वर्कर की सेफ्टी के लिए को इंश्योर करें जब वो मेंटेनेंस कर रहा हो सर्किट ब्रेकर एंड अदर इक्विपमेंट्स की। इन आवर होम द स्विच इज यूज टू मैनुअली ओपन और एंड क्लोज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल फ्यूज। फ्यूज की जगह आजकल एमसीबी यूज हो रही है, तो इज यूज टू प्रोटेक्ट हाउस होल्डिंग पावरिंग वायरिंग। इन द सेम वे हायर वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नीड स्विचिंग एंड प्रोटेक्टिंग डिवाइस, बट इन हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम दी स्विचेस एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इन लार्ज। क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर, क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर, स्विच गियर का क्लासिफिकेशन करते हैं। स्विच गियर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल इन टू द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम वोल्टेज लेवल पे करते हैं, लो वोल्टेज। द स्विच गियर रेटेड अप टू 1 kV इज टर्म्ड एज लो वोल्टेज स्विच गियर। मीडियम वोल्टेज, द स्विच गियर रेटेड बिटवीन 1 kV टू 35 kV इज टर्म्ड एज मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। हाई वोल्टेज स्विच गियर, द स्विच गियर रेटेड अबव 35 kV इज टर्म्ड एज हाई वोल्टेज स्विच गियर। ऑल दो स्विच गियर आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ करंट रेटिंग, वोल्टेज क्लास, ऑपरेटिंग मेथड्स, टाइप्स ऑफ करंट, इंटरप्टिंग डिवाइस, इंसुलेशन टेप, एप्लीकेशन एंड पर्पस। तो फीचर ऑफ स्विच गियर, आप जानते हैं फीचर, स्विच गियर के फीचर क्या क्या हैं। फर्स्ट जो फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन फॉल्ट ऑकर्स द स्विच गियर मस्ट ऑपरेट टू आइसोलेट
टू द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम हेल्दी सेक्शन, हैंस टू इंश्योर द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड इम्प्रूव रिलायबिलिटी। सबसे पहला जो फीचर है इसका क्या होना चाहिए, फॉल्टी कंडीशन में जब भी फॉल्ट आएगा सिस्टम में तो क्या करना है, ये इसको ऑपरेट होना चाहिए, और जो फॉल्टी सेक्शन है उसको आइसोलेट कर देगा हेल्दी सेक्शन से। सेकंड फीचर क्या है, स्विच गियर मस्ट एबल टू कैरी नॉर्मल करंट एंड आल्सो फॉल्टी करंट फॉर शॉर्ट पीरियड। तो स्विच गियर आपका किस कैसा होना चाहिए, नॉर्मल करंट को कैरी कर सके और फॉल्टी करंट को भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कैरी कर सके। ऐसा नहीं कि फॉल्ट आया तुरंत ही सर्किट को अलग कर दिया। फॉल्ट नॉर कभी कभी ऐसा फॉल्ट भी होता है कि वो विद इन सेकेंड के लिए होता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, तो उस समय ऑपरेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन दी फॉल्ट ऑकर्स दी स्विच गियर मस्ट ऑपरेट क्विकली सो दैट नो डैमेज इज डन इन पावर सिस्टम। व्हेन दी फॉल्ट ऑकर्स स्विच गियर मस्ट ऑपरेट क्विकली सो दैट नो डैमेज इन पावर सिस्टम। अ स्विच गियर मस्ट हैव प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल। अ स्विच गियर मस्ट सिंपल एंड हैव गुड